Zombie Apocalypse. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आर्क सर्वाइवल की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज अपन भाई फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपने रेड हुड वाले सीरीज। एंड गाइस, इसके पिछले एपिसोड में हमने टाइटन को टीम किया था, वो भी भाई ईडी वाला अपने को मिल गया था टाइटन। तो भाई उसी टाइटन को हमने टीम कर लिया था। एंड भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था उस टाइटन को टीम करने में। एंड भाई बिल्कुल इरीटेट कर देता है ऐसे भाई, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड भाई शॉर्ट मारो तो लगता भी नहीं है। एंड भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था उसको टेम करने में। तो भाई पिछला एपिसोड अगर नहीं देखा है तो भाई देख लेना जाके। एंड यहाँ पे हमने भाई बाहर रखा था अपना टाइटन। एंड देखो भाई यहाँ पे खड़ा है टाइटन, क्योंकि भाई बेस के अंदर इसको रख नहीं सकते थे, क्योंकि भाई अपना गेट इतना बड़ा नहीं था कि इसको बेस के अंदर अपन घुसा सकें, इसलिए भाई हमने बाहर ही रख दिया था टाइटन को। तो भाई मतलब बाहर रहेगा एंड बाहर से भाई अपना बेस वगैरह को प्रोटेक्ट करता रहेगा। एंड गाइस, फिर आज के इस वीडियो में अपन करेंगे डंजन। एंड ये गाइस हमारा इस वाले सीरीज का भाई फर्स्ट डंजन है। तो भाई हमारा मतलब वेपन वगैरह तो भाई सब कुछ रेडी कर लिया है लगभग में हमने। एंड मतलब अभी तो मतलब सारे के सारे डायनो लगभग में टीम कर लिए हैं, जो मेन मेन होते हैं जिनके बिना काम वगैरह नहीं चलेगा अपना, और सारे डायनो टेम हो चुके हैं। एंड अभी मतलब डंजन कर लेंगे। एंड इस वाले डंजन में भाई टेक जनरेटर भी है, तो भाई टेक जनरेटर मिल जाएगा ब्लूप्रिंट। एंड टेक जनरेटर बना के अपन भाई अपने बेस पर ऐसे भाई वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भाई अपने दौड़ा सकते हैं, जिससे कि भाई अपने को वायर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लाइट वगैरह भाई कोने कोने में लगा देंगे, तो भाई काफ़ी ज़्यादा ओपी लगेगा अपना बेस। तो भाई इसीलिए हमने भाई सारा सामान वगैरह रेडी किया आज के इस वीडियो के लिए। एंड डंजन करेंगे। एंड चलो भाई ये वाली स्वाड रख देते हैं, कम डैमेज की थी। एंड भाई सारा सामान तो रेडी कर लिया है, मेडिकल ब्रू स्टमलन एंड फूड एंड कंपाउंड वो ले लिया है। एंड एरो ले लिए हैं भाई 300। एंड इतने भाई काफ़ी होंगे डंजन में डंजन को कम्प्लीट करने के लिए। एंड भाई अभी चलते हैं अपन रेड ऑब्लिस्क पे एंड एंटर करते हैं डंजन। एंड भाई उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो भाई नीचे रेड कलर का आइकन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि भाई नेक्स्ट वीडियो आते ही भाई सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। एंड चलो भाई अभी चलते हैं डायरेक्ट ग्रीन ऑब्लिस्क पे एंड एंटर करते हैं। एंड गाइस अपन आ चुके हैं भाई ग्रीन ऑब्लिस्क पे। एंड अभी भाई देखते हैं भाई डंजन अपना आज का कौन सा था हमारा। एंड ये है हमारा डंजन। ये भाई मैं शायद वीडियो भाई काफ़ी दिनों बाद अपलोड करूंगा, भाई उस टाइम पता नहीं कौन सा डंजन होगा। एंड इस टाइम तो भाई डंजन ये है हमारा। एंड इसमें भाई टेक जनरेटर का ब्लूप्रिंट था, तो इसीलिए भाई हम इतनी जल्दी कर रहे हैं डंजन। एंड भाई टेक जनरेटर मिल जाएगा तो भाई काफ़ी ओपी तरीके से अपन इलेक्ट्रिसिटी अभी ना वायरलेस के लगा सकते हैं। एंड चलो भाई ये सारा मतलब टेक वाला सामान है। एंड अभी एंटर कर लेते हैं डंजन के अंदर। एंड भाई ये वाला डंजन मैंने किया था एंड उसका भी वीडियो आ गया होगा। एंड चलो भाई अपन आ चुके हैं डंजन के अंदर। एंड ये स्वैम्प वाला अपना डंजन है। एंड भाई काफ़ी ज़्यादा इजी ये वाला डंजन है। एंड बिल्कुल इजीली थी तरीके से ये वाला डंजन कंप्लीट कर सकते हैं अपन। एंड भाई अभी गोगेता सर नहीं आए, भाई पता नहीं कहाँ रह गए, उन्होंने भाई साथ में ही एंटर किया था शायद। भाई ये रहे भाई इधर आ गए हैं ये। एंड भाई अभी चलते हैं इनको लेकर भाई रूम की ओर। एंड भाई अपन ना रूम देखते हैं भाई कौन सा है अपना फर्स्ट रूम। एंड गाइस यहाँ पे अपन आ चुके हैं एंड सामने ही भाई रूम है अपना। एंड ये शायद था भाई डिलीफो सोस वाला रूम। हाँ गाइस ये डिलीफो सोस वाला रूम है। एंड गोगेता सर अभी नहीं आए इस रूम में। एंड आ गए भाई, एंटर कर दिया उन्होंने। एंड अभी भाई देखना भाई डिलोफोस भाई कितने ज़्यादा आएंगे, क्योंकि भाई दो लोग एक साथ ही रूम में एंटर किए हैं, तो दोनों लोगों के साथ में ही आएंगे थ्रेट्स। एंड चलो भाई अपना मारते हैं इनको जल्दी से। एंड अपना गेम तो भाई बहुत ही ज़्यादा लैग हो रहा है, तो अपन भाई पीछे ही रहेंगे एंड वो ही भाई क्लियर करते रहेंगे अपना। एंड चलो भाई उन्होंने लगभग में भाई क्लियर कर दिए हैं। एंड सेकेंड ट्रेड भी आ गई शायद। एंड चलो भाई अभी निपटाते हैं इनको जल्दी से। एंड चलो भाई ये निपट चुका है, नहीं तो भाई अभी पॉइजन फेंक देता अपने ऊपर। एंड भाई अपना रूम तो भाई क्लियर होने वाला है, बस एक तो डिलीफोस और बचे होंगे एंड हो जाएगा अपना रूम क्लियर। एंड वो रहा। एंड चलो भाई अपना डिलीफोस वाला रूम यहाँ पे हो चुका है क्लियर।
एंड अभी भाई अपने को जाना है की के लिए आगे की ओर। एंड यहाँ पे एक चेस्ट है, ये ओपन कर लेते हैं। एंड इन वाली चेस्ट में भाई कुछ खास सामान मिलता नहीं है, एंड थोड़ा सा भाई सैडल वगैरह एंड ब्रू वगैरह मिल जाते हैं। आप अगर लो लेवल पे हो तो भाई ओपन कर सकते हो, एंड आपको सैडल वगैरह का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा एंड भाई ब्रू वगैरह मिल जाएगा, मतलब आप थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकते हो, एमओ वगैरह मिल जाएगा। एंड चलो अपन यहाँ पे एक चेस्ट है, ये वाली चेस्ट भी ओपन कर लेते हैं। एंड भाई पानी ख़त्म हो गया, अपना पानी फिल करते हैं। एंड यहाँ पे चेस्ट है भाई एक, ये वाली शायद चेस्ट थी भाई की वाली अपनी। एंड हाँ भाई ये की वाली चेस्ट थी, एंड इसमें अपने को फैसिलिटी की मिल चुकी है यहाँ पे। एंड अभी भाई अपने को सीधे जाना है डोर की तरफ, एंड डोर अपना ओपन करना है एंड उसके दूसरी साइड का कंप्लीट करना है। फिर भाई अपना वॉशरूम कंप्लीट करके भाई आराम से डंजन कंप्लीट कर सकते हैं। एंड गाइस अभी मतलब टेक की चेस्ट ये है शायद अपनी, यहाँ पे है टेक वाली चेस्ट। एंड टेक बूट्स मिले अपने को भाई साहब, एंड टेक बूट्स अपने को मिले भाई बेकार। अपने को भाई टेक जनरेटर चाहिए था भाई, टेक जनरेटर नहीं मिला भाई, अपने को दूसरी बार करना पड़ेगा टेक जनरेटर के लिए, एंड तभी भाई अपने को टेक जनरेटर वगैरह मिलेगा। भाई इस वाले डंजर में अगर टेक जनरेटर मिल गया तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मतलब टेक जनरेटर से वायर वगैरह का कोई झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि भाई वायर वगैरह दिखने में भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है और वो भाई तार कनेक्ट करता है जब। एंड चलो भाई यहाँ पे अपना है लावा जंप, एंड अभी एरियल अपना पहन लेते हैं एंड फिर करते हैं लावा जंप यहाँ से। एंड चलो भाई बस केवल लैग वगैरह ना हो गेम के, मतलब इस जंप के बीच में, एंड फिर अपन निकल जाएंगे। एंड चलो भाई अपन इस साइड तो आ चुके हैं आराम से, एंड चलो निकालते हैं इस एरियल को। एंड अभी आगे चलते हैं अपन, आगे शायद रूम में है, हाँ भाई अभी लास्ट रूम है। इस वाले डंजन में केवल दो ही रूम कराने पड़ते थे, एंड अपना ये वाला रूम कंप्लीट करने के बाद बॉस रूम आ जाएगा अपना। एंड इस वाले रूम में भाई कैप्रोसुचस एंड सार्को आएंगे, एंड आप भी गए हैं। एंड कैप्रोसुचस तो भाई उनके ही पीछे सारी सारी पड़ गई हैं, एंड अपने पीछे तो भाई केवल सार्को आ रहा है, इसको निपटाते हैं जल्दी से। एंड ये सार्को निपट चुका है एंड ये वाला भी। एंड भाई अपना रूम हो चुका है यहाँ पे क्लियर भाई, बिल्कुल इजी तरीके से अपना रूम यहाँ पे हो चुका है क्लियर। एंड अभी भाई अपने को केवल एंटर करना है बॉस रूम में, एंड ये रहा भाई अपना, इधर है बॉस रूम एंड ये वाला डोर ओपन हो चुका है। एंड चलते हैं भाई अपना बॉस रूम एंटर करते हैं, एंड उससे पहले भाई अपना ओपन कर लेते हैं वीकली डंजन। एंड वीकली डंजन ओपन कर लेंगे भाई, अपने को एलिमेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा वीकली डंजन की वजह से। एंड चलो ये रहा वीकली डंजन, एंड इसको स्टार्ट कर देते हैं। एंड अभी भाई एंटर करते हैं अपना डंजन, एंड चलो भाई कंपाउंड बो ले लिया हमने हाथ में, एंड एंटर। एंड चलो भाई एंटर हो रहे हैं अपन। एंड भाई यहाँ पे इस वाले डंजन का बॉस था भाई अपना जो था ये स्टोन तोड़ने वाला होता है डियोडिकस बॉस था, एंड इसको मारना तो भाई थोड़ा बहुत हार्ड है एंड थोड़ा बहुत इजी भी है, क्योंकि भाई ये गोल गोल घूमता है एंड भाई उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा मारने में। एंड ये वाला खतरनाक बॉस नहीं है एंड इजीली इसको अपन मार सकते हैं। एंड देखो भाई क्या ही घूम रहा है इस साइड से उस साइड, एंड इसका भाई जल्दी से इसको निपटाते हैं एंड अपना भाई डंजन कर लेते हैं कंप्लीट। एंड गाइस अपना ये ड्यूटी को बॉस की एचपी बची है केवल 7000, एंड भाई केवल 4-5 एरो और मारने पड़ेंगे और निपट जाएगा। एंड यहाँ पे भाई अपना ड्यूटी को बॉस निपट चुका है एंड हो चुका है भाई अपना फर्स्ट डंजन कंप्लीट रेडवुड सीरीज का। एंड भाई अपने को 35 एलिमेंट मिल गए होंगे, एंड इसमें तो भाई अपने को केवल बूट का ब्लूप्रिंट मिला था टेक बूट का, एंड हम बाद में भाई ऑफलाइन में ट्राई कर लेंगे जिससे कि अपने को टेक जनरेटर का ब्लूप्रिंट मिल जाए एंड अपन टेक जनरेटर बना पाए। एंड और तो भाई कोई ज़्यादा चेस्ट वगैरह ओपन नहीं की थी, केवल 3-4 चेस्ट ओपन की थी एंड एलिमेंट वगैरह के लिए हमने कर लिए वाला दंगजन। एंड चलो भाई अपना टाइम भी ख़त्म हो चुका है एंड बेड पे स्पॉन ले लेते हैं जल्दी से, एंड अपन बेस पे चलते हैं, शायद वो गीता सर ऑबेलिस्क पे स्पॉन लेंगे और वहाँ से वो ग्रिफिन को फॉलो करा कर ले आएंगे बेस पे। एंड चलो भाई अपन ने स्पॉन तो ले लिया, एंड चलो भाई बेस पर आ चुके हैं अपन, एंड ये भी भाई बेस पर आ चुके हैं, इन्होंने भाई रेड ग्रीन ऑबेलिस्क पे स्पॉन नहीं लिया।
भाई स्कैम हो गया, मतलब दोनों ग्रिफिन वहीं पे हैं एंड अभी भाई आरजी को लेकर वहाँ पर जाना पड़ेगा ग्रिफिन को लेने के लिए एंड चलो भाई अपन ऑफलाइन में वो तो कर लेंगे। एंड दंगदिन के आने के बाद भाई ये वाला मतलब बाहर का एरिया थोड़ा थोड़ा भाई रात रात जैसा दिखाई देता है, डार्क डार्क दिखता रहता है, तो भाई वो मतलब रिस्टार्ट करने से सही हो जाएगा। एंड गाइस तो फिर अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। एंड इन्होंने भाई एलिमेंट दे दिया हमको एंड ये पीटी नोट दिया, एंड इनको भी भाई स्लीपिंग पॉड का ब्लूप्रिंट मिला था एंड सेम अपने को भाई अपने को बूट का ब्लूप्रिंट मिला था। तो गाइस फिर आज का वीडियो अपन यहीं पे एंड करते हैं भाई, अपन ऑफलाइन में दंगन करते रहेंगे एंड भाई टेक जनरेटर का ब्लूप्रिंट ले आएंगे जैसे कि नेक्स्ट एपिसोड में अपन टेक जनरेटर वगैरह बना सकें। तो गाइस फिर आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं एंड गाइस आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइस आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। एंड तो भाई मिलते हैं हर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।